శక్తి నమో నమః ప్రథమం భగవతి నమో నమః కుండలిని మాతా శక్తి నమో నమః राजकुमारी, हमें तो प्रतीत हो रहा है कि प्रतियोगिता कोई जीत ही नहीं पाएगा। क्या इस सभा में कोई भी वीर शेष है जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर धनुष से लक्ष्य भेद कर सके? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस लक्ष्य भेदन का एक प्रयास करना चाहूंगा। इस ब्राह्मण को अवसर अवश्य मिलना चाहिए। स्वयंवर सफल हुआ। ये प्रतिभाशाली ब्राह्मण इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए। अतः आप राजकुमारी द्रौपदी को आज्ञा दें कि वह इस ब्राह्मण युवक को वरमाला पहनाए। महाराज आज्ञा दीजिए। वरमाला की विधि पूर्ण की जाए।
राजकुमारी आइए। प्रस्थान करो द्रौपदी। द्रौपदी प्रस्थान करो। राजकुमारी आइए, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहना, राज्य एवं परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में। द्रौपदी प्रस्थान करो। भ्राता, आपने तो कहा था कि ये स्वयंवर केवल एक प्रयोजन है, हमें यहां केवल औपचारिकता वश उपस्थित रहना, किंतु यहां तो बात परमाला तक पहुंच गई है। बहना, नियति से बड़ा कोई नहीं होता। हमें ज्ञात नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। एवं इस समय यदि हमने विवाह से मना किया तो हमारी जग हसाई होगी, लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा, और वैसे भी बहना पिताश्री की इच्छा थी तुम्हारा विवाह आर्यव्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष से हो। एवं इस प्रतियोगिता को जीतकर इस ब्राह्मण ने सिद्ध किया है कि वो आर्यव्रत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे शूरवीर सर्वश्रेष्ठ युवक से विवाह में कैसी आपत्ति। राजकुमारी आइए, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहना, राज्य एवं परिवार की लाज तुम्हारे हाथ में। Thank you.
कृष्णा को स्वीकार कीजिए। कृष्ण प्रेम, आपको कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है और ये उसी के लक्षण के लक्षण। मैं आपकी पुत्री द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकता। अब द्रौपदी का विवाह पांडु पुत्र अर्जुन से करवाएं, हमसे नहीं। वर्णावत में सभी पांडव माता कुंती के साथ जलकर राख हो गए। जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है उसे तो स्वयं मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती। राजकुमारी वरमाला पहनाइए। कृष्णा वरमाला पहनाओ।